तो हम यहाँ पैकअप कर रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये है राकेश जी, राकेश भाई, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, हमें स्टेट भी ढूंढने को दिया, और हमारी गाड़ी में जो दिक्कत हो गई है उसकी रिपेयरिंग के लिए भी बहुत वो करा। और ये हैं हमारे नेगी भैया, इन्होंने हमें चाय पिलाई, बहुत टेस्टी चाय खाना। तो मतलब जब भी आप आओ ना, मैं नंबर डाल दूंगा भैया के, तो सीधे रास्ते से अंदर आओगे, और भैया के नंबर बता दूंगा, जब भी आप आओ ना तो कॉन्टेक्ट करके आओ, तो आपको सारी अरेंजमेंट्स जो है ना इजीली मिल जाएंगे, वरना यहाँ हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए थोड़ी सी। तो अब हमें गमशाली से निकलने का गम जरूर है, लेकिन वापस मिल जाना है। अच्छा हवा बहुत अच्छी चल रही है भैया, वो अच्छा एसी तो चल ही नहीं रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये गाड़ी का रेडिएटर का फैन जो नहीं चल रहा ना, उसकी वजह से इश्यूज है। एक्चुअली एसी काम नहीं कर रहा था, मतलब कूलिंग नहीं कर रहा था, और जब हमने चेक किया तो रेडिएटर का फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था। फिर बस हो गई टेंशन कि अब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, और इंजन अगर हीट कर गया तो बस यहीं गाड़ी खड़ी रह जाएगी। राकेश जी ने बहुत हेल्प की और ये बंदा आया वायर देने। हमारे जो जिनके हम खाना खा रहे थे राकेश जी, उन्होंने बहुत हेल्प आउट करी थी, तो उनके कोई नोन है जगदीश जी, वो यहाँ आए हैं और कार ठीक कर रहे हैं। थोड़ा ऐसी लोकेशन है, मोड़ है और ठंडक है, कार में रेडिएटर की जो प्रॉब्लम आई है वो बस उसी को ठीक कर रहे हैं। देखते कितनी देर लगती है, क्या रहता है, तब तक मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने थोड़ी बहुत रील्स और फोटो शूट कर लिए। और डोईकी अपना शुंगी शुंगी में लगी कि मैं क्या शुंगी करूँ, बस फाइनली बहुत सी माथा पच्ची के बाद ये पता चला कि नीति वैली में जहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन था वहाँ पर एसी कूलिंग नहीं करेगा, और इसी वजह से रेडिएटर का फैन भी वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ ये हॉट वाटर स्प्रिंग है, उसका पानी इतना गर्म है ना, उंगली डालोगे तो जल जाएगी। आवाज कर रहा है, गैस पे लगा है वैसा है। ओए, वही। फिर हम चल दिए भविष्य बद्री की ओर, सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए। भविष्य बद्री आया था आज से 4 साल पहले। ये रोड जो दिख रहा है, ये पूरा रोड बह चुका था, मैं बाइक से आया था उस टाइम, मुझे खुद याद है मैंने कैसे कैसे बाइक चलाई थी, अकेला मैं था उस टाइम। और ये जो सिनेरियो है ना, ये उस टाइम लिटरली मेरा मन था मैं 2 घंटा लगाया है, और आज भी ऐसा है कि यहाँ जितनी देर चाहो उतनी देर रुक सकते हो। ऐसी जगह ये पीसफुल, सराउंडिंग्स, यहाँ बर्ड्स की चिरपिंग सुनाई देगी, अगर यहाँ होम स्टे होता तो रुका भी जाता। तो यहाँ से 500-700 मीटर बता रहे हैं, फिलहाल जब मैं आया था तो बिल्कुल सही था, भैंस का मैदान था, कोई रास्ता नहीं बना था, और अब ट्रैक बना दिया है। ये है वो जगह जहाँ मैंने वीडियो बनाया था, तो 4 साल पुराना वीडियो मैं दोबारा जाके देखूँगा। ये वो जो बिल्डिंग देख रही है ना, टीन शेड येलो वाली, वहाँ माता जी ने मुझे भोजन करवाया था, और फिर मैं आया था ये भविष्य बद्री, और यहाँ सुकून के साथ 2 घंटा, क्योंकि मैं अकेले आया था, 2 घंटा बैठा था।
तो मंदिर से ये झांकी निकली, अभी झांकी के दर्शन हुए। तो उस टाइम जब मैं आया था तो ये जो पीली बिल्डिंग देख रही केवल ये थी और मंदिर, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके बाइक खड़ी करके फोटो खिंचवाए थे। एक बहुत प्यारी सी लोकेशन है, हवा चल रही है बहुत तेज, पानी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। देखो मैं तो हो लिया रेडी, मैं जा रहा हूँ उधर डुबकी लगाने और इसके बाद हम जाएंगे आगे कहीं। आज कल्पेश्वर उर्गम वैली जाएंगे, कल्पेश्वर महादेव के आज दर्शन हुए तो आज वरना कल, और इकट्ठे हैं चार पाँच। से निकल आए हैं और यहाँ है अच्छी खासी गर्मी, और डोरा ने रात भर न सुसु करी न पॉटी करी, और बाहर आई जैसे ही तो बाहर आके इसने सुसु और पॉटी दोनों चीज़ें करी, होती जा रही धीरे धीरे समझदार। बट में वन वे के चक्कर में इतना ड्रामा हो गया ना कि गाड़ी पार्किंग पे पार्क करके फिर हम खाना खाने जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे स्पेस भी नहीं है ना ज़्यादा यहाँ। ये आज का नाश्ता, और नाश्ते से पहले हम लपेट चुके किले। डोरा के लिए भर रहा था पानी, छोटी दिख गया, इसे ही प्यास लग रही थी तो मैं टैप खोला तो पानी पीऊंगा। हाँ भाई मैं ऐसे कर रहा था, इतनी देर में ही आ गया, कह रहा मुझे भी करो, सबको बराबर से चाहिए, लो सबको बराबर से चाहिए। कितनों से करें भैया? हाँ तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए। क्योंकि नीति वैली में टेम्परेचर बहुत कम था और जोशीमठ पहुंचते ही ये हो गई बेहोश। शी इज नाउ ऑलमोस्ट फाइन। डोरा ने भी इन्हें देख लिया, डोरा ने पुच्ची भी कर ली। यह डोरी और अभी शी इज फाइन। डोरा ये इनसे देखने इनसे मिलने। मैं हूँ अभी जोशीमठ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वाइफ को एडमिट करवाया है, और यहाँ देखकर मुझे लगा कि सीरियसली गवर्नमेंट का होल्ड होना चाहिए एजुकेशन पे और मेडिकल फैसिलिटीज़ में। अच्छा ये मैं पहले से ही मानता था, और यहाँ आके और स्ट्रॉन्ग सिस्टम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लगी। उसका रीज़न ये है कि अगर महंगी मशीनरी जो आती है हॉस्पिटल में, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी तो जाहिर सी बात है उसके लिए चार्जेस लिए जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ईजीली मतलब ईजी या अच्छी तरीके से वो प्रोवाइड कर सकती है। और सेम गोज़ विद एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन में जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे स्कूल में एक अभी स्मार्ट बोर्ड आया है, उसकी कॉस्ट अराउंड 2 लाख रुपए होती है, तो अगर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये आता है तो वो सारी चीज़ें फीस में वसूली जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का होल्ड होना चाहिए मेनली एजुकेशन और हॉस्पिटल में। तो हमारा पेशेंट अभी ठीक होकर आ चुका है, क्योंकि ये खाना नहीं खाता है, और खाना नहीं खाएगा बस ना, ये कुछ ग्लूकोज पिएगा, इसे चाहिए कुछ कुछ दिन में कुछ कुछ ट्रिप्स में ग्लूकोज वेन्स के थ्रू लेना। पता है? हाँ। यूएस में ये वो है, बिजनेस है। यूएस में बिजनेस है। ड्रिंक करी है, उसे उतारने के लिए फ्लूइड लगवा लो। आईवी थेरेपीज कहते हैं इसे, इंट्रावीनियस थेरेपीज। मेरे पास इतने सारे ब्रांड। तो अभी ड्रिप चढ़ चुकी है और शी इज फाइन, और अब उसे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में रोक दिया है, और हम जा रहे हैं गाड़ी पार्क करके। यहाँ वन पे है, बड़ा ट्रैफिक का बड़ा इशू है, या तो पार्किंग में लगा के आओ या तो दूर लगा के आओ, तब जा सकते हो। अब हम जोशीमठ से निकल चुके हैं, जोशीमठ से अब हम जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव, और हेलंग से रास्ता कटता है उर्गम वैली के लिए। तो हालांकि वो जो रास्ता है ना हेलंग के बाद, हेलंग से उर्गम वैली वाला, वो थोड़ा सर्च करना पड़ता है, वो इजीली मिलता नहीं। हम जब उधर से आए तो हमें नहीं दिखा, जबकि मैं यहाँ 2-3 बार आ चुका हूँ,
लेकिन मुझे हर बार ढूंढना पड़ जाता है वो रास्ता। पुल क्रॉस करके आता है वो राइट हैंड पे, जोशीमठ से जब वापस जाओगे तो राइट हैंड पे रास्ता दिखेगा वो।